गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम राजेंद्र सिमोरी, योर मैथ्स टीचर फ्रॉम द ज्ञान मंदिर विद्यापीठ महुआ. टुडे वी आर गोइंग ऑन टू द लास्ट सेशन ऑफ दिस यूनिट नंबर 4, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो टुडे वी आर गोइंग ऑन टू द कंसेप्ट्स ऑफ द नेचर ऑफ रूट्स. नाउ दिस नेचर ऑफ रूट्स इज वेरी इजी कंसेप्ट्स बिकॉज वी ऑल नो दैट द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला दैट इज and also using b square minus 4ac plus or minus, and we also use the b minus b plus or minus under root b square minus 4ac upon 2a. That kind of the quadratic formula also be learned out. So today we discussed about the nature of roots, and again I am clarified related that this one is the last lecture for your SA1 examination. So then after we are not started whatever the next chapter is concerned, because it's a practical based. So if we are face to face, when we meet, that time we have to start that unit. So it is not a part of your first examination, that is trigonometry introduction. So introduction of trigonometry, that is not a part and parcel of SA1. So be careful about that, and whatever the syllabus I mentioned in the group of yours, you can also omit these chapters, because up to the end of this fourth unit, we just conclude our syllabus, isn't it? So let us start with that points. Now this is a nature of roots. आपके सामने एक स्क्रीन दिख रही है, और इस स्क्रीन में जो हमारी टेक्स्ट बुक है, वो टेक्स्ट बुक को मैंने आज ऐसा चाहा कि वी हैव टू थ्रू द टेक्स्ट बुक वी हैव टू यूज्ड. सो नेचर ऑफ रूट्स इन द प्रीवियस सेक्शन वी हैव टू यूज्ड हियर द रूट ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. अब आपको एक मैं बात बता देता हूँ कि यहाँ पे जो भी चीज़ यहाँ पे मेंशन करते हैं, मतलब हम जो यहाँ पे यूज़ करते हैं अभी, वो है नेचर ऑफ रूट्स. दिस नेचर ऑफ रूट्स इज बिकम्स हियर द कंसर्न अबाउट द ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स. आप देख सकते हो हियर कंसिडर्ड द फर्स्ट लाइन, सो यू कैन ऑल्सो सी डायरेक्टली ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दैट इज़ अ रूट ऑफ इक्वेशन. And that is given, we already discussed earlier that minus b plus or minus under root b square minus 4ac upon 2a. So if b square minus 4ac is greater than 0, मैंने आपको बताया था तीन कंडीशन. यदि ये कंडीशन तभी सॉल्व होती है जब हम उसको यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ये कंडीशन को हम x कंसिडर कर ले, माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. उसमें से यदि आपके पास जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, वो इसकी वैल्यू यदि ग्रेटर देन ज़ीरो आती है, ज़ीरो से ज़्यादा आती है, देन वी गेट टू डिस्टिंक रियल रूट, माइनस बी अपॉन 2a प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और माइनस बी अपॉन 2a माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. मतलब ये जो कंबाइन यहाँ पे आपको प्लस और माइनस दिख रहा है, इसका सेपरेशन, एक सेपरेशन हो गया और ये दूसरा सेपरेशन हो गया. तो ये जो चीज़ है, ये दो रियल रूट है. यदि ये वैल्यू कभी हम इंसर्ट कर सकते हैं, जब हम बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो हमारा आंसर आता है, तब तो एक रूट बन जाता है. जैसे मैंने वन से इंडिकेट किया, माइनस बी अपॉन 2a प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a प्लस से, और एक सेकंड वन जो यहाँ पे दिख रहा है, माइनस बी अपॉन 2a माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac 2a. तो ये दोनों चीज़ से आप पता चल जाता है कि दिस इज़ ए वन काइंड ऑफ रूट ऑफ इक्वेशन, एंड हाउ कैन वी डिराइव टू डिफरेंट रूट. तो अभी हम नेचर ऑफ रूट्स के बारे में समझ रहे हैं, तो लेट अस मूव ऑन द नेक्स्ट पोर्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन. जस्ट वी आर यूजिंग हियर, अभी हमने देखा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन ज़ीरो होता है तो टू रूट्स होता है.
यदि वो ज़ीरो होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यदि वो ज़ीरो होता है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू ज़ीरो, देन एक्स इज इक्वल टू, तभी जब ज़ीरो होता है तब एक ही रूट हमें मिलता है माइनस बी अपॉन टू ए। तो याद रख सकते हो आप, एक्स का टू ही रूट होता है, ज़ीरो होता है तब, वो दोनों इक्वल ही हो गए, माइनस बी अपॉन टू ए माइनस बी अपॉन टू ए, लाइक दिस वन। ये जो आपको पोर्शन यहाँ पे दिख रहा है ना, वन दैट इज़ अ वन रूट एंड दिस इज ऑल्सो कंसिडर एज ए सेकेंड रूट। तो एक कब की कंडीशन है, दूसरी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जब हमारा ज़ीरो होता है, दैट टाइम टू रूट्स वी हैव टू फाइंड एंड बोथ रूट आर द सेम। वो कैसा होगा, दोनों रूट सेम ही हो गए, माइनस बी अपॉन टू ए। ओके, दिस इज़ अ सेकेंड वन कंडीशन। अब तीसरी कंडीशन ऐसी है कि जब हम तीसरी कंडीशन को कंसिडर करें, वी से दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ टू इक्वल रूट्स इन दिस केस। नाउ इफ, मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ, आप शायद यहाँ पे आपको दिख रहा है बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी इज लेस देन ज़ीरो, ज़ीरो से लेस देन हुआ, देन नो रियल नंबर हुज स्क्वायर इज बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, मतलब उसके लिए कोई भी रियल रूट्स कंसिडर्ड नहीं होगा। सो दैट इज ऑल्सो बी वेरी यूजफुल एंड दिस इज द थर्ड वन कंडीशन एंड दिस ऑल काइंड्स ऑफ द थिंग्स। अब हम मेन पॉइंट्स पे आते हैं कि ये सब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जब भी हम यूज़ करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कि दिस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिटरमाइंस वेदर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। हम क्या करते हैं, जब हम यूज़ करते हैं दैट टाइम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो हैज़ रियल रूट और नॉट, यदि इसमें रियल रूट है या नहीं है, तभी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। सो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का दूसरा नाम है डिस्क्रिमिनेंट, उसको हम डी से भी डिनोट की कर सकते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी या डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी हम रख सकते हैं। दैट्स वे ऑफ द नेचर ऑफ रूट्स वी हैव टू फाइंड आउट। नाउ ये तीनों कंडीशन हमने लास्ट में कंसिडर की थी, आपको पता हो, टू डिस्टिंक्स रियल रूट मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन ज़ीरो, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी टू इक्वल रियल रूट जब इक्वल ज़ीरो होता है, और बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज लेस देन ज़ीरो, दैट टाइम नो रियल रूट्स आर देयर। तो दिज आर द थ्री मेन कंडीशंस ऑफ पोर्शंस ऑफ हियर। आप देख सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे तीनों तीन कंडीशन, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, दिस इज अपन फर्स्ट कंडीशन ग्रेटर देन, सेकेंड कंडीशन इक्वल एंड थर्ड कंडीशन इज कंसिडर्ड इज ए लेस देन ज़ीरो। तो ये तीन कंडीशंस आपको याद रखनी है। सो लेट अस मूव ऑन टू द एग्जांपल नंबर 16 फर्स्ट। हम एग्जांपल 16 को पहले कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पे आपको पूरा एग्जांपल 16 दिख रहा होगा शायद, और इसमें आप अपनी टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हो, वही चीज़ से मैंने यहाँ पे आपको ट्राई की है कि आप डायरेक्टली उसी चीज़ को यहाँ पे देख सको तो शायद आपको ज़्यादा पता चले। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपका क्वेश्चन कैसे हो सकता है, अब देखो, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो एंड हैंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट्स। आपको इसके रूट्स भी फाइंड करने हैं और डिस्क्रिमिनेंट भी फाइंड करना है, मतलब रूट आगे भी हम फाइंड कर चुके हैं और बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू के ऊपर से आगे हम सम करते थे। यहाँ पे हमें पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है और बाद में वो नेचर ऑफ रूट्स क्या है उसके रिलेटेड हम उसके रूट फाइंड करेंगे। तो इसमें क्या है, इक्वेशन है तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ यदि डायरेक्ट आप कंपेरिजन करेंगे तो ए इज इक्वल टू कितना होगा, टू हो सकता है। कैसे हम कंपेयर यहाँ पे कर रहे हैं, देखो ये टू एक्स स्क्वायर है, उसको ए एक्स स्क्वायर के साथ कंपेयर करें तो ए के पैरेलल कंपोनेंट कौन है, टू है, सो ए इज इक्वल टू टू। ओके, सिमिलर वे बी की हम बात कर रहे हैं तो बी का पोर्शन यहाँ पे माइनस फोर एक्स है। अब ये यहाँ पे कंपेयर करें
तो बी की जगह पे क्या आ सकता है, माइनस फोर, दैट इज ऑल्सो बी देयर. एंड सी हियर थ्री इज देयर, सो हियर वी कंसर्न दैट सी इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज ए थ्री. तो ये तीनों तीन चीज़ यहाँ पे इम्प्लीमेंट की है. एंड देयरफॉर द डिस्क्रिमिनेंट मतलब डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी. बी स्क्वायर में हम सभी की वैल्यू, बी की वैल्यू रखेंगे, ए की वैल्यू रखेंगे और सी की वैल्यू रखेंगे और बाद में नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे. यहाँ पे आप देख सकते हो कि 16 माइनस 24 आ रहा है, तो माइनस 8 आंसर आ रहा है. तो माइनस 8 मतलब इट इज़ लेस देन ज़ीरो. सो द गिवन इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट. ऐसे आपका कंक्लूजन भी देना है. याद रहेगा तीन ही प्रोसीजर करनी है. डिस्क्रिमिनेंट के लिए आपको ए करना है, फिर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ आप कंपेयर करके ए बी एंड सी वैल्यू फाइंड करनी है. दूसरी चीज़ आपको फाइंड करनी है वो है डिस्क्रिमिनेंट. डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर से आप वैल्यू फाइंड करेंगे, जैसी वैल्यू मिली यदि उसका इट्स नेचर ऑफ रूट्स आप फाइंड करना चाहेंगे, बट यहाँ पे तो माइनस ही आंसर आ रहा है तो हम उसके रूट फाइंड नहीं कर सकते. सो दैट इज़ वेरी ईजी. आई होप सो दैट एग्जाम्पल 16 इज़ कम्प्लीटली अंडरस्टूड बाई यू. नाउ नेक्स्ट सेशन इज़ कंसिडर फॉर द एग्जाम्पल नंबर 17. अब यहाँ पे पूरी एक्सप्लेनेशन जो क्वेश्चन में दी है वो अच्छी तरह से समझ लो. पहले ए पॉल हैज़ टू बी इरेक्टेड एट ए पॉइंट ऑन द बाउंड्री, मतलब बाउंड्री के पॉइंट पे एक इरेक्ट मतलब खड़ा किया है एक ही पॉल. सर्कुलर पार्क, जो आपका सर्कुलर पार्क है उसके एक पॉइंट से एक पॉल इरेक्ट किया है जिसका डायामीटर है वो 13 मीटर है. ये जो आपको सर्कुलर पार्क दिया है उसका डायामीटर, डायामीटर में आपको पता है ना, डायामीटर मतलब सेंटर पॉइंट से पास होती हुई लाइन, जब वो दो एंड पॉइंट के साथ सर्कल को टच करती उसको हम डायामीटर बोलते हैं. सो 13 दैट इज़ अवर डायामीटर एंड सच ए वे दैट द डिफरेंस ऑफ इट डिस्टेंस फ्रॉम टू डायमेट्रिकली ऑपोजिट फिक्स्ड गैट ए एंड बी ऑन द बाउंड्री 7 मीटर. कितना है? 7 मीटर. सो इज इट पॉसिबल डू सो? इफ यस, एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द टू गैट्स शुड बी पॉल टू बी इरेक्ट. कितना डिस्टेंस है यहाँ से आपको फाइंड करना है जहाँ ये पर्टिकुलर पॉल इरेक्ट किया गया है. सो इट्स अ वेरी इजी थिंग्स. आप ऐसे ही फिगर बना सकते हो जैसे क्वेश्चन में दिया गया है, वैसे ही फिगर, ये फिगर 4.4 में दिख रही है आपको. हियर द पॉइंट्स बी मैंशन दैट लोकेशन ऑफ द पोल दैट बी कंसिडर इज ए पी, द डिस्टेंस ऑफ द पोल फ्रॉम द गैट बी दैट्स कंसिडर्ड इज ए एक्स मीटर. सो बी पी इज इक्वल टू एक्स मीटर हो गया. नाउ द डिफरेंस ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द पोल फ्रॉम द टू गैट्स ए पी, मतलब ए चीज़ की बात कर रहे हैं यहाँ पर, मैं आपको बता रहा हूँ ए पी डिस्टेंस, ए ए पी डिस्टेंस माइनस बी पी डिस्टेंस, मतलब ए ए पी माइनस बी पी, और वी कैन से दैट बी पी माइनस ए पी इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर हमें यहाँ पे दिया गया है? 7 मीटर. आप देख सकते हो दिस इज अ 7 मीटर. सो ए पी इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ये जो पूरा कंसिडर कर रहे हैं ए पी इज इक्वल टू एक्स प्लस 7, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस दिया गया है तो ए पी में ये बीपी का पोर्शन ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? ए पी इज इक्वल टू एक्स प्लस 7 मीटर. सो इसी प्रोसीजर से हम आगे बढ़ते हैं. नाउ जो एंगल आपका बना वो एंगल ए पी बी कितनी डिग्री का है? 90 डिग्री, क्योंकि आपको पता है कि वो एक राइट एंगल है. तो राइट एंगल है तो इसका इक्वेशन भी आपको पता है कि ए पी स्क्वायर प्लस बी बी, मतलब साइड हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर एंड साइड. तो पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हो. तो ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी प्लस पी बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर. तो दिस इज अ रूल ऑफ पाइथागोरस बिकॉज ऑफ इट्स अ 90 डिग्री. सो देन आफ्टर वी आर यूजिंग हियर वॉट एवर द वैल्यू, ए पी की वैल्यू हमें पता है एक्स प्लस 7, तो इसका भी स्क्वायर हो जाए. पी बी की वैल्यू हमें पता है एक्स, सो इसका भी एक्स स्क्वायर हो जाएगा. और ए बी हमें गिवन है दैट इज 13 का स्क्वायर.
तो ये पूरा इक्वेशंस को हम सिंप्लीफाई करेंगे, देन वी गॉट 2x² प्लस 14x माइनस 120. दिस इज अवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ओवर हियर. एंड सो डिस्टेंस हम ये आप देख सकते हो कि यदि हम 7 से उसको डिवाइड कर दे, 2 से डिवाइड कर दे हम सभी को, तो x² प्लस 7x माइनस 16 हमें मिलेगा. ये न्यू हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. आप इक्वेशन को सिंप्लीफाइड भी कर सकते हैं. सो इट वुड बी पॉसिबल दैट आपके पास जैसे ही इक्वेशन आ गया आप सीधा डिस्क्रिमिनेंट उसका निकालेंगे, d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, लाइक दैट वे. एंड उसमें हम वैल्यू रखेंगे, b है उसकी वैल्यू 7 है, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू माइनस 16 है. सो वी गॉट 289 ग्रेटर देन 289. सो ऑब्वियसली इट इज़ ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा ही है. तो इसके 2 रियल रूट हो सकते हैं, हमने अभी कंडीशन देखी. तो उस कंडीशन के मुताबिक हम x इज इक्वल टू माइनस 7 मतलब माइनस b प्लस और माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a. तो सेम वे से हम यूज़ करेंगे, तो एक में माइनस 7 प्लस और माइनस 17 मतलब माइनस 7 प्लस 17 से हम यूज़ करेंगे, तो उसका आंसर रहेगा हमारे पास 10 और 10 डिवाइड बाय 2, सो दैट्स व्हाई वी गेट 5. एंड दूसरा वन, ये इसकी मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे आप शायद देख रहे हैं, तो माइनस 7 प्लस और माइनस 17, तो 7 माइनस 7 और प्लस 17 कितना होता है, माइनस प्लस 10 होता है. सो प्लस 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आंसर आता है, तो x इज इक्वल टू 5 हुआ. दूसरा माइनस 7 माइनस 17 मतलब माइनस 7 माइनस 17 ये हो गया प्लस, माइनस माइनस प्लस, बट साइन विल बी माइनस. माइनस 17 में 7 ऐड कर दो तो 24 को हम कंसिडर करेंगे, तो 24 माइनस 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास माइनस 12 आएगा. तो दीज आर द टू रूट्स, x इज इक्वल टू माइनस 12 विल हैव टू बी इग्नोर्ड क्योंकि वो नेगेटिव है, हम पॉजिटिव को ही कंसिडर करेंगे. तो ये चीज़ हुई आपका पोर्शंस में, x इज इक्वल टू माइनस 12 विल हैव टू बी इग्नोर्ड, सो वी हैव टू यूजिंग हियर x इज इक्वल टू 5. सो हम कह सकते हैं कि 5 मीटर फ्रॉम द गेट बी एंड 12 मीटर फ्रॉम द गेट ए दैट बी इरेक्टेड इन टू द बाउंड्री ऑफ द पार्क. तो ये एग्जाम्पल ईजी था, वैसे ही फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन. एग्जाम्पल नंबर 18 को कंसिडर किया है हमने, 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0. यू कैन ऑल्सो राइट डाउन दिस ऑल द एग्जाम्पल्स फ्रॉम द वीडियो इफ़ यू हैवंट एनी टैक्स बुक. आपके पास कभी टैक्स बुक ना हो तो आप इसमें से भी लिख सकते हो. सो a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू माइनस 2, एज इट इज़ हम लिखेंगे c इज इक्वल टू 1/3. यहाँ पे हमारा आंसर 0 आता है, 4 माइनस 4 यानी 0 आता है. तो 0 का मतलब होता है कि इसके भी 2 रियल रूट होते हैं, बट दोनों कैसे होंगे, इक्वली होंगे. तो हम इक्वल रखे, 0 हुआ तो सीधा हम पूरा फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, बट माइनस b अपॉन 2a हम डायरेक्टली लिख सकते हैं. माइनस b अपॉन 2a का मतलब होता है माइनस b 2 और 6, सो 1/3 ये आपका आंसर हो जाता है. याद रखो ये चीज़ कि जब हमारी b² डिस्क्रिमिनेंट जब हमारा 0 आए तब हम 2 इक्वल रूट का यूज़ करेंगे, माइनस b अपॉन 2a माइनस b अपॉन 2a. ओके, तो दिस इज़ अ ऑल्सो बी वेरी इजी एग्जांपल्स फॉर यू. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द एक्सरसाइज. ओके, सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन. दैट इज द एक्सरसाइज 4.4, क्वेश्चन नंबर 1 हम कंसिडर कर रहे हैं. तो यहाँ से आप देखिएगा कि कैसे तीनों तीन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं, या एक दो क्वेश्चंस को हम यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं. 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. दूसरा आपके 3x³ माइनस 4 इंटू अंडर रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0. सो लेट अस मूव ऑन दैट पॉइंट्स. फर्स्ट
here considered the two things. First one portion, we know that the all the quadratic equations, हमें पता है कि discriminant के लिए हमें क्या चाहिए, b square minus 4ac, और b square minus 4ac में तीन condition है, greater than 0, b square minus 4ac is equal to 0 and b square minus 4ac less than 0. तो कब टू डिस्टिंक्ट रियल रूट होते, टू इक्वल रियल रूट कब होते हैं और कब नो रियल रूट्स होते हैं, ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं. उसमें से फर्स्ट पॉइंट्स हम कंसीडर कर रहे हैं अभी यहाँ पे. पहला इक्वेशंस को आप सीधा कंपेयरिंग द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर कर देंगे तो आपको ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू माइनस 3 एंड सी इज इक्वल टू 5 मिलेगा. और उसके ऊपर से आप डिस्क्रिमिनेंट डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac ईजिली फाइंड कर सकते हैं. तो ये सब चीज़ आपके लिए अब ईजी रहेगी. दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे बता दूँ कि दैट इज़ वंस वी हैव टू गॉट माइनस 31 हीयर, आपका आंसर माइनस 31 आता है. तो आप देख सकते हो कि डी इज ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 या इक्वल 0. तो ऑब्वियसली डी इज लेस देन 0, 0 से कम है क्योंकि माइनस 31 आए. सो देयरफॉर नो रियल रूट. हमें पता है कि तीनों तीन कंडीशन में ग्रेटर देन है तो ही टू डिस्टिंक्ट रियल रूट मिल सकते हैं, यदि इक्वल है तो टू इक्वल रियल रूट्स मिल सकते हैं. यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका डिस्क्रिमिनेंट है, वो लेस देन 0 है, देन देर इज नो एनी काइंड ऑफ द रूट्स वी फाउंड. तो ये पहले पोर्शन में तो यहाँ पे हमने कंसीडर कर लिया कि दैट इज नॉट यूजिंग हियर. सो वी हैव टू यूज फॉर द सेकेंड वन, 3x² माइनस 4 अंडर रूट 3 को हम कंसीडर कर रहे हैं अभी. शायद आपको ये पूरी स्क्रीन में दिखे तभी आपका माइंड में सेट हो सकता है. तो दिस इज़ अ 3x² माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0. तो आप कंपेयर करेंगे, दैट्स वाई ए इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू माइनस 4 एंड माइनस 4 अंडर रूट 3 एंड सी इज इक्वल टू 4 आ गया. देन आफ्टर यू पुट इन टू द डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. आपने b मतलब माइनस 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर. आप यहाँ पे अच्छी तरह से देख सकते हो कि ये जो चीज़ है यहाँ पे आपको बता रही है, ये जो चीज़ आपको यहाँ पे इंडिकेट्स कर रहे हैं, ये दैट इज़ अ प्योरली डिस्क्रिमिनेंट पोर्शन एंड उसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac में b की जो भी वैल्यू है वो हम यहाँ पे रखेंगे. सो माइनस 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 4. अब आप देख सकते हो कि माइनस 4 का स्क्वायर 16 होता है, बट अंडर रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 होता है. तो 16 3 कितना होता है, 48. सो वी हैव टू डायरेक्ट पुटेड हियर द 48. सो 48 एंड 4 3 12, 12 4 ऑल्सो भी 48. सो 48 माइनस 48 इज इक्वल टू 0. तो हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 मिला, मतलब रियल रूट्स एग्जिस्ट फॉर द गिवन इक्वेशन एंड दे आर इक्वल टू ईच अदर. कैसा होगा, दोनों इक्वल ही होंगे क्योंकि यहाँ पे आंसर आपका डिस्क्रिमिनेंट का क्या आया, बी स्क्वायर माइनस 4ac का 0 आया. तो ये चीज़ हम यहाँ पे इंडिकेट्स कर लिया. सो मैंने आपको बताया था कि इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, 0 जब होगा तब हम दो ही चीज़ को हम डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं, माइनस बी अपॉन 2a, माइनस बी अपॉन 2a. माइनस बी अपॉन 2a डायरेक्टली हम रख देने से वी हैव टू गेट द वैल्यू लाइक 2 अपॉन अंडर रूट 3. तो दोनों वैल्यू एक ही है क्योंकि इज इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट 0 आया है. सो दैट्स वाई 2 अपॉन अंडर रूट 3 दैट इज़ द आंसर ऑफ इट. एंड थर्ड वन पोर्शन, थर्ड रोमन की बात कर रहे हैं हम, कि जिसमें आपकी वैल्यू है 12 यानी ग्रेटर देन 0 आती है. आप देख सकते हो कि ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू माइनस 6 और सी इज इक्वल टू 3 आया. तो डिस्क्रिमिनेंट आपका क्या होगा, ऑब्वियसली माइनस 6 का स्क्वायर 36 होता है और 8 3 24 होता है. 36 में से 24 गया तो 12 आता है. तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, तो इट हैज़ द टू डिस्टिंक्ट रियल रूट, दो अलग अलग रियल रूट होंगे. तो ये जो पोर्शन था ये आपका क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू था. लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट्स दैट इज ऑल्सो बी कंसिडर्ड हियर. तो ये जो पॉइंट्स हुए ये लास्ट पॉइंट्स के थर्ड रोमन के
देन यू हैव टू पुट माइनस बी प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ऐसे ही आप अपना सिंप्लीफिकेशन दो. सो टू डिस्टिंक्ट रूट यहाँ पे मिलेंगे, थ्री प्लस और माइनस अंडर रूट थ्री बाई टू और थ्री माइनस अंडर रूट थ्री बाई टू. आपको यदि किसी भी दिक्कत आती है तो यू कैन ऑल्सो पोज दिस वीडियो एंड यू कैन डायरेक्टली राइट डाउन दिस ऑल द क्वेश्चंस. ओके, सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट. Okay, so let us move on to the question number, next question. Just we have to take. Okay, so let us start with the exercise 4.4 ka question number 2. Hum consider kar rahe abhi. Find the value of k for each of the following quadratic equation. Just we have to see in like that way. Find the value of k for each of the following quadratic equation so that they have two equal roots, 2x square plus 4x plus kx plus 3 is equal to 0. अब इसको हम consider करें तो पहले हमें ax square plus bx plus c के साथ उसका comparison करेंगे. Then has two equal roots, its discriminant like b square minus 4ac will be 0. यहाँ पर आपको बताया गया है कि इसका बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का कौन सा है, ज़ीरो है. तो ज़ीरो है तो हमें पता है कि कंडीशन हमारी क्या थी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू ज़ीरो जब होता है तब इसके दो इक्वल रियल रूट होते हैं. तो ये दो इक्वल रियल रूट्स की वजह से हम यहाँ पे यूज़ करेंगे बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी. सो टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस थ्री को कंपेयर करेंगे देन वी हैव टू ऑब्टेन ए इज इक्वल टू टू, बी इज इक्वल टू के एंड सी इज इक्वल टू थ्री. डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है कि बी की जगह पे हमें क्या कंपेयर करने से बी इज इक्वल टू क्या मिला है, के मिला है. तो के स्क्वायर माइनस फोर इंटू टू इंटू थ्री, सो के स्क्वायर माइनस 24. फॉर इक्वल रूट डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो है तो हम के स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू ज़ीरो रखेंगे. सो के स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 24. और के प्लस और माइनस हम यहाँ लेफ्ट हैंड साइड से स्क्वायर निकालेंगे तो 24 अंडर रूट में आ जाएगा, प्लस और माइनस अंडर रूट 24. अंडर रूट 24 को हम और भी सिंप्लीफाइड कर सकते हैं क्योंकि 6 है. सो 2 इंटू 6 मतलब यहाँ पे हम कंसिडर करें तो 4 6 24 होता है ना, तो 4 का रूट निकल के 2 बार आ जाता है बट 6 का अंडर रूट नहीं निकलता, दैट्स वाई 2 इंटू अंडर रूट 6, दैट इज़ द आंसर. सो दैट इज़ द फर्स्ट आंसर. नाउ वी आर गोइंग फॉर द सेकेंड वन. अभी सेकेंड वन का क्वेश्चन आप देख सकते हो कि के एक्स, सेकेंड रोमन की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2, के एक्स एक्स माइनस टू प्लस सिक्स इज इक्वल टू ज़ीरो और के एक्स स्क्वायर माइनस टू के एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू ज़ीरो. इसका मतलब ऐसा है कि इसको हम सिंप्लीफाइड कर सकते हैं, के एक्स को यहाँ पे दोनों आप देख सकते हो कि ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं. सो के एक्स स्क्वायर, ये पूरा पहला पॉइंट्स हो गया, फिर माइनस बीच में है तो माइनस टू के एक्स बन गया और प्लस सिक्स तो ऐसे ही है ही. तो ये चीज़ से हमें ये पता चलता है कि उसको सिंप्लीफाइड ऐसे भी लिख सकते. अब आगे बढ़ते हैं, उसको कैसे हम हैंडल करेंगे. नाउ लेट अस मूव ऑन इट. कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो. सो ए इज इक्वल टू के हो गया, बी इज इक्वल टू माइनस टू के हो गया और सी इज इक्वल टू सिक्स हो गया. अब डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी यानी फोर के स्क्वायर माइनस 24 के. अब यहाँ पे भी इक्वल रूट्स है तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी क्या हो जाएगा, ज़ीरो. तो हमें जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट मिला है फोर के स्क्वायर माइनस 24 के, उसका इज इक्वल भी हम ज़ीरो ही रखेंगे. सो दैट्स वाई फोर के के माइनस सिक्स, यहाँ पे मैंने 4k को कॉमन निकाल दिया. सो वी हैव टू गॉट k माइनस सिक्स इज इक्वल टू ज़ीरो. तो 4k इज इक्वल टू ज़ीरो होगा और k इज इक्वल टू सिक्स इज इक्वल टू ज़ीरो होगा, मतलब
के इज इक्वल टू ज़ीरो और के इज इक्वल टू सिक्स यहाँ पे मिलेगा। हावेवर एफ के इज इक्वल टू ज़ीरो देन द इक्वेशन विल नॉट हैव द टर्म्स एक्स एंड एक्स स्क्वायर एंड एक्स, देयरफॉर इफ दिस इक्वेशन हैज़ टू इक्वल रूट्स के शुड बी सिक्स ओनली। क्या होता है कि हम कह सकते हैं कि एक्स के इज इक्वल टू ज़ीरो होता है तो एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो मतलब एक्स स्क्वायर और एक्स की वैल्यू हमें कभी नहीं मिलती। यदि हमें इक्वल रूट की वजह से सिक्स रखना है तो ज़ीरो यहाँ पे हम कंसिडर नहीं कर सकते, दैट्स वाई के इज इक्वल टू सिक्स ओनली, दैट इज़ द रूट्स ऑफ इट। नाउ वी आर गोइंग ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ कंसिडर द क्वेश्चन नंबर टू। नाउ दिस क्वेश्चन नंबर टू इज सजेस्टिंग अस दैट वी हैव टू यूजिंग हियर द फुल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर टू, इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो एक क्वेश्चन नंबर टू है, थोड़ा समझने में थोड़ा सा डिफरेंट है, बट यू कैन ऑल्सो ट्राइड इट। ब्रेथ ऑफ द मैंगो ग्रो वी कंसिडर्ड एज ए एल, हम एल को एज्यूम कर लेते हैं, एंड लेंथ ऑफ द मैंगो ग्रो विल बी 2L, बिकॉज ऑफ लेंथ इज ट्वाइस इट ब्रेथ है। तो जब हम ब्रेथ मैंगो की L मेजर करते हैं, यहाँ पे L मेजर करते हैं, तो ऑब्वियसली ट्वाइस की वजह से ये कितना हो जाएगा, 2L हो जाएगा। सो एरिया ऑफ द मैंगो ग्रो दैट शुड बी यूज्ड हियर। सो दैट इज we find that area of mango grove that is 2L into L. So we get 2L square. 2L square is equal to, हमें question में दिया गया है, कितना दिया गया है, 800 meter square. So same way we are using here, 2L square is equal to 800. L square is equal to 800 divided by 2. So L square is equal to 400. 400 को इस साइड लाते हैं तो एल स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू ज़ीरो। जब हम उस कंपेरिजन्स करेंगे तब ए इज इक्वल टू हमारे पास 1 रहेगा, बी यहाँ पे है ही नहीं तो 0 रहेगा, और सी इज इक्वल टू 400 रहेगा। तो 400 मतलब माइनस 400 रहेगा, तो माइनस 400 को जब हम इंडिकेट्स करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास 1600 आएगा। तो ये सिंप्लीफिकेशन करना है डिस्क्रिमिनेंट में, और ये 1600 जो आया वो ग्रेटर देन ज़ीरो है, दैट्स वाई टू डिस्टिंक्ट रियल रूट मिलेंगे हमें। सो द इक्वेशन विल रियल रूट एंड हैंस द डिजायर्ड रेक्टेंगुलर एल इज इक्वल टू प्लस और माइनस 20, बिकॉज ऑफ मैंगो ग्रो कैन बी डिजाइंड एल इज इक्वल टू प्लस और माइनस 20। सो लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, सो वी हैव टू यूज पॉजिटिव 20 मीटर, दैट इज द आंसर। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर टू। अब आप क्वेश्चन नंबर थ्री को हम कंसिडर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री विल सजेस्टिंग लाइक दैट, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, आप शायद उसमें पोज करके भी ये लिख सकते हैं, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल इफ सो डिटरमाइन दैट प्रेजेंट एजेस, द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर, 4 ईयर्स एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वॉज 48। सो लेट अस एज ऑफ द वन फ्रेंड बी एक्स ईयर्स। किस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री एक्सरसाइज 4.4 की बात कर रहे हैं, लास्ट एक्सरसाइज हमारी चल रही है उसमें क्वेश्चन नंबर थ्री हम यूज कर रहे हैं। सो एज वन फ्रेंड कैन बी कंसिडर्ड एज एक्स, सो अदर फ्रेंड विल बी 20 ईयर्स, द सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। सो ऑब्वियसली एक्स प्लस किसी में भी हम ऐड, पहले मैंने ऐसा ही एग्जाम्पल आपको करवाया, आपको पता है कि दो फ्रेंड्स है तो एक एक्स है और एक वाई है, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 20 है, तो ऑब्वियसली दूसरे का 20 माइनस एक्स ही हुआ ना, सो दैट्स वाई द एज ऑफ द अदर फ्रेंड विल बी 20 माइनस एक्स ईयर। तो ये जो दोनों पॉइंट्स हमने कंसिडर किए वो उसकी बात हुई थी। अब तीसरा, 4 ईयर्स एगो, मतलब अब से आगे की तरफ हमें जाना है, मतलब माइनस करना है,
एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड एक्स माइनस फोर एंड एज ऑफ सेकंड फ्रेंड दैट विल बी 20 - x - 4. तो ये दोनों चीज़ एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, ये दोनों के पॉइंट्स के ऊपर से ही हमारा नेक्स्ट वन पार्ट ऑफ दिस सम इट विल बी हैंडल. सो जैसे ही हमारे पास 20 - x - 4 आया तो 16 - x हम लिख सकते हैं इसके सिंप्लीफिकेशन से. अब हम आगे बढ़ते हैं. नाउ गिवन दैट x - 4 एंड 16 - x ये दोनों का प्रोडक्ट कितना दिया गया है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजिस इन ईयर वॉज 48. यहाँ पे आप देखो लास्ट लाइन में द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजिस इन ईयर वॉज 48. सो वी हैव टू यूज हियर x - 4 मल्टीप्लाइड विथ 16 - x इज इक्वल टू 48. अब ये 48 यानी एक पोर्शन आ गया आपका, उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे. सिंप्लीफाई से हमारे पास -x² + 20x - 112 इज इक्वल टू 0 आता है. माइनस को मैंने पहले आपको एक बताया था कि आप माइनस निकालना चाहे तो दूसरे में सभी में इसकी इफेक्ट दे देंगे. एक्स स्क्वायर प्लस है तो माइनस होगा, -20x, -112 था तो +112. दैट्स वाई वी गेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ओवर हियर. अब उसके बाद कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विथ द ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, देन दैट्स वाई वी गॉट a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -20 एंड c इज इक्वल टू 112. सो डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac एज इट इज़ हम रख देंगे तो इसका आंसर हमें मिलता है -48. -48 मिलता है मतलब नो रियल रूट बिकॉज ऑफ इट्स अ लेस देन 0. अब ये लेस देन 0 हुआ तो नो रियल रूट पॉसिबल फॉर दिस इक्वेशन एंड देन दिस सिचुएशंस इज नॉट पॉसिबल, ऐसा आपका आंसर में कंक्लूजन होना चाहिए. सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3. अब मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 तक यहाँ पे हैंडल किया. आप रिमेनिंग जो क्वेश्चन है आज के होमवर्क में आपको सबमिट करना है. सो एट द एंड ऑफ द सेशन आई कंक्लूड दिस सेशंस अगेन इन फ्रंट ऑफ यू बिकॉज ऑफ दिस इज यूनिट नंबर 4 एंड दिस यूनिट नंबर 4 नाउ टुडे इज कंक्लूड. सो यू हैव टू टुडे ओनली वन क्वेश्चंस रिमेन्स दैट यू हैव टू वर्क ऑन इट. From tomorrow we will put here the some exercise assignment and everything up to the end of our video session. So you all are, again I am repeat this question, repeat this instruction in front of you that up to this quadratic equation all 7 units are part and parcel of your syllabus. Trigonometry, introduction of the trigonometry portion we have to not started yet in this although I put it into the syllabus list, so not mention it for the SA1 examination. Okay, so if you having any kind of the query, you just ask me. Thank you very much for being with us. Thank you very much.